नमस्कार दोस्तों, क्या कर रहे हैं? कैसे हैं आप सब? अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। आप सोच रहे होंगे इतना सुबह सुबह ये क्यों वीडियो बना रही है? पर मैं ये वीडियो अभी क्यों बना रही हूँ पता है? मैं ना कल रात को न्यूज़ पे एक कल टीवी पे एक न्यूज़ देखा कि मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को कुछ मतलब सम करोड़ रुपए की मदद की। उनकी तो कोई प्रॉब्लम थी, वो इनके मदद से सॉल्व हो गए। ऐसे कि वो जेल जाने वाले थे, वो इनके वजह से वो रुक गए। वो न्यूज़ मैंने सुना, तो मैंने रात भर वही सोचती रही कि उन्होंने इतना मदद किया कैसे कर दिया। सुबह मुझे लगा कि वो तो हमारे लिए ये बात इतना है कि इतने सौ करोड़ करोड़ रुपए एक भाई को मदद कर दिया, पर उनके लिए वो अमाउंट ज़्यादा नहीं है। उनके लिए वो अमाउंट ज़्यादा नहीं है, हम सब के लिए वो मतलब वो समंदर की तरह है। मैंने क्या सोचा कि इस बात पर एक वीडियो बनाया जाए कि मेरे मन में क्या ख्याल आया। इससे मुझे ये इंस्पिरेशन मिला कि कौन किसके पास कितना है कितना नहीं है वो बात नहीं है, मतलब जरूरत पड़ने पर भाई बहन या दो भाई ही एक दूसरे का साथ देते हैं, ये दुनिया वाले नहीं, समझे ना? मतलब मैंने सुना था जब उनके पिताजी, जब अंबानी मतलब अनिल अंबानी के पिताजी गुजर गए थे, गुजरने के बाद दो भाइयों में बहुत डिस्टर्बेंसेस हुए थे। बाद में कुछ धीरे धीरे सॉर्ट आउट होके, मतलब जितना मैं न्यूज़ में सुना है, मुझे उतना ओवरली पता नहीं, पर जितना भी सुना है उसका मैंने मुझे ये पता चला कि उनके फादर के बाद उनका बहुत डिस्टर्बेंस हो गया था और थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होके जा रहे थे और अनिल अंबानी ग्रो कर रहे थे, सॉरी सॉरी सॉरी, मुकेश अंबानी ग्रो कर रहे थे और अनिल अंबानी डाउन हो रहे थे। तो इनका इतना मतलब अनिल अंबानी का इतना प्रॉब्लम हो गया कि वो बैंकक्रैप्ट ही हो गए। तभी भी मुकेश अंबानी ने उनके अनिल अंबानी जी की कोई भी बात दिल पे ना रख के उनकी मदद की। कल मुझे ये पता चला तो मेरे दिमाग में आया कि रिश्तों में चाहे कितनी भी खटास हो, अगर भाई भाई बहन या बड़े भाई छोटे भाई, छोटे भाई बड़े भाई, वो कुछ नहीं। मैं बोल रही हूँ रिश्ता, मतलब भाई बहन का रिश्ता ही हो या दो भाइयों का रिश्ता, बस प्यार होना चाहिए, वो खटास नहीं। अरे बाबा, नोक झोंक झगड़े वगैरह भाइयों में नहीं हुए तो भाई बहनों में नहीं हुए तो किस कहाँ पे होगा? तो मैंने आज का मेरे इस वीडियो का मतलब ये था कि मैं चाहती थी कि आजकल लोग छोटे छोटे बातों को लेकर बहुत दिल पे बात कर लेते हैं, वो बातों को छोड़कर हमारे अंदर उनके लिए जो प्यार दबा हुआ होता है ना, समय आने पर वही निकल कर आता है। देखना, ठीक है?
को अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन दबाना मत भूलिए, वरना मैं जब वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको पता कैसे चलेगा। और हाँ, कमेंट भी कीजिएगा। और आज की मेरी इस वीडियो का वैल्यू ऑफ मीनिंग को याद रखना, ठीक है? बाय।